फ्रेंड मेरे पास में सियाज डेल्टा 2021 मॉडल है और इस कार को मैं लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैंने इस कार को लिया था तो कंपनी के शोरूम से इसके लिए कुछ एसेसरीज ली थी। तो फ्रेंड्स मैंने अपने सोचा कि अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि जब आप लोग अपने लिए कार परचेज करने जाएँ तो ऐसी कौन सी एसेसरीज हैं जो आप शोरूम से ले सकते हैं या कौन सी एसेसरीज हैं जिनको आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी कार के लिए जो एसेसरीज ली हैं वो कौन कौन सी हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी कार जो थी डेल्टा मॉडल थी, टॉप मॉडल नहीं थी, इसलिए मेरे को स्टेयरिंग व्हील कवर भी लेना था। तो मैंने प्रेफर किया कि इसको भी शोरूम से ही लगवाऊं। और फ्रेंड्स इतना लंबा टाइम हो गया, 1.5 साल हो गए ना, तो इसमें कहीं कोई कट लगा है और जो इसकी फिट और फिनिश है अभी भी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप शोरूम से ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो मेरा म्यूजिक सिस्टम है ये ऑप्शनल चीज है, आप चाहें तो अपनी कार में आपकी जरूरत के हिसाब से लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवा सकते हैं, पर मैंने प्रेफर किया है इसको कंपनी से ही लगवाना। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये सोनी कंपनी का है और इसके साथ में मैंने बैक कैमरा भी लगवाया, क्योंकि सियाज कार है थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है तो मुझे बैक वगैरह करने में प्रॉब्लम आती, तो मैंने ये दोनों चीजें कंपनी से ही लगवाई है। एक्चुअली में इसको आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना कि जो चीज आप लगवा रहे हैं वो ओरिजिनली होनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा ज्यादा दे रहे हैं उस चीज के लिए। और दूसरी चीज फ्रेंड्स जो भी आपकी कार के अंदर सिस्टम को फिट कर रहा है तो कहीं से भी आपकी कार की वायर वगैरह को कट ना करे, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है जो कार की वारंटी होती है वो वॉइड हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है बस। फ्रेंड्स अब बात करेंगे कार के सीट कवर के बारे में। एक्चुअली में जो सीट कवर है ये मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं और फ्रेंड्स इसको बहुत टाइम हो गया और अभी तक इसकी फिट और फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने जब इसको लगवाया था तभी भी इसमें कहीं कोई सलवटे नहीं थी। तो फ्रेंड्स कंपनी से लेने में एक फायदा ये होता है कि आपको जो गाड़ी के मैचिंग का ही मिल जाता है वहां पे और क्वालिटी उसकी काफी अच्छी मिलती है, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप चाहें तो इसको शोरूम से बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब जो एसेसरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी है, क्योंकि इसको हम ज़्यादातर कंपनी के शोरूम से ही लेते हैं, वो है कार के मैट्स हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे कार के मैट हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फ्रेंड्स इनके संग एक प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी जगह को फ्लोर को कवर नहीं कर पाते हैं ना, जिसकी वजह से बार बार गंदे हो जाते हैं और मुझे इनको बाहर से साफ करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैट के केस में मैं बोलूँगा आप चाहें तो इसको आफ्टर मार्केट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 5D, 7D या जो भी आते हैं उस टाइप के फुल फ्लोर कवर करने वाले मैट्स मिल जाए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप फिर भी कंपनी से ही लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपनी कार की फ्लोरिंग करवा लीजिए, ताकि जो ये बची हुई जगह है ये ढक जाए और ये गंदी बिल्कुल ना हो। फ्रेंड्स मेरी कार के अंदर कोई एम्बियंस लाइट नहीं थी, तो ये जो नियॉन लाइट है ये मैंने कंपनी से लगवाई है और इसके लिए तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप ऐसी लाइट्स इलेक्ट्रिकल लाइट जो होती है उनको कंपनी से लगवाएं, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपको कंपनी से जो है इसका बिल मिल जाता है ओरिजिनल, और दूसरा फ्रेंड्स कंपनी की जो फिटिंग होती है वो वायर को कट करके नहीं होती है, जिसकी वजह से जो कार की वारंटी होती है वो भी वॉइड नहीं होती है। फ्रेंड्स ये जो कुशन है ये भी मैंने कंपनी से लिए हैं, एक्चुअल में ये ऑप्शनल चीज़ है, ये मैंने पीछे रखने के लिए डैश पे जो है पीछे वहाँ पर रखने के लिए लिए थे कि शो में अच्छा लगे, गाड़ी की जो लुकिंग है बाहर से अच्छी लगे। लेकिन फ्रेंड्स इसको लेने के बाद में समझ में आया कि इसका यूज़ भी है। एक्चुअली मेरी मदर वगैरह जैसे ओल्ड एज की हैं तो वो जब लॉन्ग ड्राइव पर हमारे संग जाती हैं तो उसको यहाँ अपने बैक में सपोर्ट के लिए लगा लेती हैं, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, तो ये कोई मतलब कंपलसरी आइटम नहीं है। फ्रेंड्स ये जो डोर क्लैडिंग है, ये जो डोर हैंडल की गार्निशिंग है और ये विंडो क्रोम गार्निशिंग है, तीनों चीजें मैंने कंपनी के शोरूम से लगवाई है। फ्रेंड्स उन लोगों ने इसको जब पेस्ट किया है तो इसके नीचे प्राइमर का यूज किया है, प्राइमर का यूज करने से 1.5 साल तो हो गए, अभी तक इनकी जो पेस्टिंग है वो बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स जो क्रोम की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल पेल नहीं पड़े, एकदम शाइनी है अभी तक। तो फ्रेंड्स इनके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि अच्छी क्वालिटी के आपको कंपनी के शोरूम पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको बिल्कुल ले सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ में शेयर किया है, होपफुली ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।